एक गैंग को पकड़ा जिनके पास से फर्जी पासपोर्ट और विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे थे, क्या ये पूरा मामला? ये दिनांक 9 अक्टूबर को यहाँ पर अंकुर नामक एक व्यक्ति आया जो देवरिया का रहने वाला है। उसके द्वारा बताया गया कि उसके और उसके 14 अन्य साथियों के 15 व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी की गई है। गल्फ कंट्रीज में भेजने के लिए उनसे संपर्क किया गया और उसके बाद उनसे 65,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक लिए गए और जो उनको वीज़ा दिया गया और जो एयर टिकट्स दिए गए वो सारे फर्जी निकले। इसकी कंप्लेन लेके यहाँ आए। इस सूचना पे इसकी जब छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि इसमें करीब 7 व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। 2 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है जिनका सेक्टर 27 में ऑफिस था। पूछताछ से और जो भी उनके पास से अभिलेख मिले हैं, जो कंप्यूटर और लैपटॉप मिला है उसकी छानबीन की गई। इनके पास से 80 पासपोर्ट मिले हैं। ये पासपोर्ट फर्जी नहीं है, ये उन व्यक्तियों के हैं जो विक्टिम हैं। इसके अलावा आधार कार्ड मिले हैं, जो फर्जी आधार कार्ड ये जनरेट करते थे और इसको ये दिखाते थे कि इन व्यक्तियों को हम विदेश भेज चुके हैं, आधार कार्ड ये प्रूफ दिखाने के लिए रखते थे। इनके पास से जो बरामदगी हुई है, आधार कार्ड और 80 पासपोर्ट के अलावा 4,24,000 रुपये कैश बरामद हुआ है, लैपटॉप बरामद है, डेस्कटॉप बरामद है और प्रिंटर बरामद है। ये सामान इनके पास से बरामद हुआ है। इनके अभी तक 12 अकाउंट कुल ज्ञात हुए हैं जिसमें से 3 अकाउंट हम लोगों ने अभी तक सीज किए हैं और इसमें लगभग 5,00,000 रुपए सीज किया गया है। ये ज्ञात हुआ है कि पिछले 4-5 साल से ये लोग विभिन्न जगहों पे काम कर रहे हैं और लगभग 3 से 4 माह पूर्व से यहाँ पे नोएडा में काम कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों को ये लोग शिकार बना चुके हैं और कितने पैसों की ठगी कर रहे हैं? ये लगभग अगर अनुमान लगाया जाए जब से ये कर रहे हैं, 2,000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने अपने उसमें लिया होगा, ठगी इनके साथ ही होगी और अनुमान यह है कि लगभग 2 करोड़ रुपए की इनके द्वारा ठगी की गई होगी। कितने लोग हैं सर गैंग में इसमें? और ये गैंग में 7 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति सुधीर और हामिद गिरफ्तार हुए हैं। हामिद इसका मास्टरमाइंड है। अन्य 5 व्यक्ति हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं और उनकी भी तलाश की जा रही है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और पिछले 4 महीने के दौरान इनके द्वारा अपने अकाउंट से 60,00,000 रुपए विड्रा किए गए हैं। इससे ज्ञात हो रहा है कि काफी बड़े पैमाने पर इनके द्वारा ये धांधली की जा रही थी। जो लोग सर अभी फरार हैं उनका प्रोफाइल कुछ पता चलता है? उनकी प्रोफाइल पता चली है, उसमें कुछ टेक्निकल है जो फर्जी वीजा और ये आधार कार्ड वगैरह बनाते थे। इसके अलावा एक व्यक्ति इसमें डॉक्टर है जो इनका मेडिकल करता था और इसके अलावा 2-3 व्यक्ति हैं जो फोन पे बात करते थे और इनको फंसाने का काम करते थे, उनको कॉन्फिडेंस लेते थे। इसलिए अलग अलग क्षेत्र के लोगों को इन्होंने हायर किया हुआ था। ये लोग लगातार